देहरादून में सचिवालय में मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में बजट बैठक का आयोजन हुआ। सीएम रावत ने कहा कि राज्यपाल के बजट पर हस्ताक्षर करने से सरकार को विकास कार्यों के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिल गया है, कोशिश चुनौतियों को पूरा करने की होगी। विधानसभा से राज्य का बजट पास होने के साथ ही मुख्यमंत्री ने शासन में बैठने वाले अधिकारियों विभाग के अध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें राज्य के विकास कार्यों को लेकर कार्य योजना बनाकर खर्च करने पर चर्चा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा है कि 6 महीने जिस तरह से हम बगैर बजट के रहे हैं वो ठीक नहीं हुआ है। उनके अनुसार हमारी कोशिश होनी चाहिए थी कि हम इस स्थिति को ना पनपने देते। देहरादून में बीजेपी के प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि संसदीय परंपराओं को तार तार करने का कांग्रेस सरकार ने रिकॉर्ड बना लिया है। इस बार विधानसभा की कार्यवाही परंपराओं को तोड़ते हुए और मर्यादाओं को खंडित करने से शुरू हुई। अल्मोड़ा में बीजेपी ने 6 विधानसभाओं में सम्मेलन का आयोजन करने की योजना बनाई है। इस मौके पर राष्ट्रीय सहमंत्री संगठन शिव प्रसाद ने विधानसभावार बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और चुनाव के लिए बीजेपी को बूथ स्तर पर मजबूती से जुट जाने के लिए कहा। चमोली में आर्मी का एक ट्रक सरस्वती नदी में गिर गया, जिसमें 2 सैनिक की मौके पर मौत हो गई। 1 सैनिक लापता है जबकि 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। रामनगर में बीएलओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर दबाव बनाकर कार्य कराने का आरोप लगाया है और डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। बीएलओ का कहना है कि मतदाता सूची बनाने का कार्य चल रहा है, बावजूद इसके बीडीओ अनावश्यक काम कराने का दबाव बनाते हैं। काराडूंगी में चोरों की सुरंग बना ज्वेलर्स की दुकान ने यहां पर चोरी की कोशिश जो थी वो नाकाम हुई। चौकीदार की शिकायत पर पहुंची पुलिस को देखकर चोर भाग गए। खटीमा में भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग बदहाल हालत में है। आलम यह है कि सड़क के किनारे बड़े बड़े गड्ढे यहां पर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यहां हादसों की संख्या बढ़ रही है। मसूरी में कूड़े के निस्तारण के लिए कीन नाम की संस्था ने अनोखी पहल की है, जिसके तहत कंपनी ने कंपोस्टर मशीन लगाई है जो कूड़े को खाद में तब्दील करेगी और फिलहाल इस मशीन को कैन बोर्ड इलाके में लगाया गया है। विकासनगर के पछवादून क्षेत्र में आप कार्यकर्ताओं ने तहसील विकासनगर में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तहसील प्रशासन हजारों भूमिहीन लोगों के प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टिहरी घनसाली के पुरवाल गांव में मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत होगी। भारी बारिश के चलते हादसा हुआ, मलबे से 3 के शवों को निकाल लिया गया। कोटद्वार नजीबाबाद के मध्य सुखरो नदी पर रेलवे की पुलिया का पिलर तेज बारिश की भेंट चढ़ गया। पुलिया को बहा देकर आनन फानन में एक्सप्रेस को रुकवाया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। खटीमा में 2 दिन से पहाड़ में हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। सीमांत क्षेत्र टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग में पड़ने वाला किरोड़ा नाला उफान पर है। यहां स्कूल में जाने वाले बच्चे इससे खासे परेशान हैं, क्योंकि इसी नाले को पार कर उन्हें जाना पड़ रहा है। नई टिहरी में भारी बारिश के चलते पांगर खाल नई टिहरी मोटर मार्ग पर भारी मलबा और पानी के तेज बहाव में 2 लोग फंस गए, जिनको सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया। पानी से उफान की वजह से यहां राहत कार्य में भी काफी दिक्कत आई। रुड़की के खानपुर रेंज में एक बार फिर विवादों का साया है। अधिकारियों पर कीमती लकड़ी के पेड़ कटवाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। मामला विभाग के बड़े अधिकारियों तक पहुंचने पर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी स्कूल के भ्रमण पर नैनीताल के धानाचुली आदर्श इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां सामाजिक विज्ञान के शिक्षक विनोद कुमार नशे में धुत थे। मेडिकल के बाद टीचर पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। रुद्रपुर में बारिश के चलते सांपों के आतंक से लोग परेशान हैं। बारिश के बाद सांप बिल से बाहर आ रहे हैं। जिला अस्पताल में सांप के दंश से जूझ रहे लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसे अगले 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रशासनिक अमले को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग में पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते यातायात प्रभावित हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते आवाजाही में लोगों को भारी दिक्कतें आ रही हैं। चंपावत जिले में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। NH-9 में चलथिये स्वाला और अमरू बैंड के पास आए मलबे की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। भारी संख्या में यहां पर लोग सड़क को दुरुस्त करने में लगे। श्रीनगर में भी लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रहने के आदेश दे दिए। श्रीनगर में बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। श्रीनगर के मुख्य बाजार जलमग्न हो गए हैं। कई लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश जारी है। 2 दिन से निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बरसात से पिथौरागढ़ जिले में कहर बरपाया है। बारिश के चलते कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 9 समेत जिले के दर्जनों आंतरिक मार्ग बंद है।
कोटद्वार और दुगड्डा के मध्य लालपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर भारी मलबा आ जाने से कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ा।